कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जेपी अग्रवाल जी, कमलनाथ जी, भूपेश बघेल जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, के राजू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, और किसी पार्टी के कार्यकर्ता 3500 किलोमीटर नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, किसानों और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में शुरू हुई और अब हम मध्य प्रदेश में हैं। तकरीबन 2000 किलोमीटर हम चल लिए हैं और यह यात्रा दिल्ली से निकलकर श्रीनगर जाएगी और श्रीनगर में ये जो हमारा तिरंगा है इसको दिनेश ऊपर आइए जरा, ये मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। ये जो हमारा तिरंगा है इसको हम श्रीनगर में लहराएंगे। इसको मैं आज स्टेज पे बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। अब आपको ये तिरंगा दिखाने का एक कारण है। सबसे पहले नहीं, यहीं रहो दिनेश, यहीं रहो, यहीं रहो, सबको दिखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, यात्रा सिर्फ एक जगह डाइवर्ट हुई है। आप जानते हो कौन सी जगह? मऊ आने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां आज ये भाषण देना चाहता था। ये अंबेडकर जी की जमीन है, संविधान की जमीन है और तिरंगे की जमीन है। ये जो तिरंगा है जिसको हम श्रीनगर ले जा रहे हैं, ये एक चिन्ह है और संविधान के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें शक्ति है तो वो शक्ति तिरंगे को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं और इसको आप अच्छी तरह सुनिए। हिंदुस्तान में एक संगठन है जिसने 52 साल के लिए इस तिरंगे को अपने ऑफिस के ऊपर नहीं लहराया। एक संगठन है, बाकी सब ने इस तिरंगे को लहराया, मगर वही लोग जो आज संविधान को खत्म करने में लगे हैं,
वही लोगों ने 52 साल के लिए हमारे प्यारे तिरंगे को सलूट नहीं मारा। क्यों? इसका कारण है भाइयों और बहनों, जो काम कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर जी ने मिलकर किया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आजाद जी, उसमें अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे वीरों ने अपनी पूरी जिंदगी देकर, अपना खून पसीना देकर, मिलकर इस देश को संविधान दिया। यह छोटा काम नहीं था। हिंदुस्तान के इतिहास में, 3000 साल के इतिहास में, 5000 साल के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक जैसा अधिकार मिला। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और उसका चिन्ह यह हमारा प्यारा तिरंगा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में से, कॉन्स्टिट्यूशन का यह चिन्ह है और आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो संविधान को सामने से नहीं खत्म कर सकते हैं। इतना दम उनमें नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने से यह काम करना करने की कोशिश कर दी, उस दिन उनको हिंदुस्तान की आवाज एक सेकंड में रोक देगी। तो यह काम सामने से नहीं करते हैं, यह काम छुप के किया जाता है। जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को आरएसएस मिटाना चाहते हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा संविधान का यह चिन्ह है, संविधान देश की नींव है, फाउंडेशन है, और उस नींव में से अलग अलग संस्थाएं निकलती हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मैंने आपको शुरुआत में कहा था प्रेस के हमारे मित्र, ये भी, इनका अधिकार भी इनको संविधान देता है। हमारे बारे में लिखते नहीं है, यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे यात्रा हो ही नहीं रही है, लाखों लोग बाहर आ ही नहीं रहे। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये अलग अलग संस्थाएं जो हैं,
ये आपकी पूंजी है, ये आपको मुफ्त में नहीं मिली, ये खून पसीने से आपको मिली है। किसने दी? अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, मगर उन्होंने अकेले नहीं दी, उनके साथ लाखों लोग खड़े हुए, करोड़ों लोग खड़े हुए और उन्होंने ये मिलकर इस देश को पूंजी दी है। अब आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस एक के बाद एक अपने लोगों को इन संस्थाओं के अंदर डाल रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों और बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देंगे। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है। आप देखिए, यह भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश, एकता का देश है। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। आप इनकी पॉलिसीज देखिए और हमारी पॉलिसी देखिए। हमारी पॉलिसी मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, आदिवासी बिल, पैसा, ये सब के सब गरीबों को मदद करने के और देश में भाईचारा और शांति लाने के प्रोग्राम है। कमजोर लोगों की मदद करने के प्रोग्राम है। अब आप बीजेपी के प्रोग्राम देखिए और मैं आपसे पूछता हूं, इस भीड़ में कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ होगा? एक है यहां पे, एक यहां पे व्यक्ति है जिसको जीएसटी, 5 अलग अलग टैक्स से फायदा हुआ होगा? एक व्यक्ति यहां है जिसको हिंदुस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर को बीजेपी के 2-3 मित्रों को दिया जा रहा है, उससे एक व्यक्ति है जिसको फायदा हो रहा है? देखो, आप जानते हो किसको फायदा हो रहा है, पूरा देश जानता है। भाई और बहनों, नोटबंदी, गलत जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन और कोरोना के समय इन्होंने जो किया, ये पॉलिसियां नहीं हैं, ये हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार बनाने के, डराने के हथियार हैं। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाता हो उससे पूछ लो। आज मैं डेलीगेशन से मिला, मैंने पूछा, नोटबंदी और जीएसटी से आपको क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया, और किसी भी दुकानदार से पूछ लो,
खत्म कर दिया है। हमारे व्यापार को नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने खत्म कर दिया है। मैंने पूछा भाइयों बताओ एक बात, ये जो जीएसटी है, ये जो नोटबंदी है, इसके पीछे किसकी शक्ति है? मैंने पूछा क्या हिंदुस्तान में जो लाखों छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं, क्या इनकी शक्ति जीएसटी और नोटबंदी के पीछे है? कहते नहीं। मैंने कहा किसकी शक्ति नोटबंदी के पीछे है? कहते हैं हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों की शक्ति जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के समय जो हुआ उसके पीछे है। भाइयों और बहनों, बात पहचानिए, आपको भूखा मारा जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है। इन सड़कों पे हजारों युवाओं से मैंने बात की है, हजारों से। आपने फोटो देखी होगी, देखिए ना, सीधा मैं सवाल पूछता हूं, क्या पढ़े हो? 5 जवाब मिलते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, या फिर मैं सेना में जाना चाहता हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। ये 5-6 चीजें युवा कहते। फिर मैं पूछता हूं, भैया एक बात बताओ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, माता पिता ने आपकी शिक्षा के लिए कितने रुपए दिए? मैं अरबपतियों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसान के बच्चों से, छोटे दुकानदार के बेटों से, बेटियों से, कभी कभी जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चों से पूछ रहा हूं। कहते हैं लाखों रुपए, हजारों रुपए हमने शिक्षा के लिए दिए, इंजीनियर बनने के लिए दिए। अच्छा भैया, आपके माता पिता ने लाखों रुपए दिए, आज क्या करते हो? क्या करते हैं? मजदूरी, मजदूरी करते हैं। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग पढ़ो, मजदूर बनो, MBBS करो, मजदूर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखो, मजदूर बनो। लॉयर बनने की पढ़ाई करो, मजदूर बनो। सेना में जाना है, सेना में जाना है, 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल सेना में काम करो और फिर मजदूर बनो। और ये जो अरबपति है, जो भी सपना देखना है देख सकते हैं, जो भी देखना है देख सकते हैं, जो भी मन में आए। उनको टेलीकॉम्स का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, पोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, एयरपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा, सड़क का बिजनेस चाहिए वो मिल जाएगा, अस्पताल चलाना है वो मिल जाएगा, जो भी इनको चाहिए मिल जाएगा। मगर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था, कहा था भाइयों और बहनों पकौड़े बनाओ, वो भी सच नहीं था। सच्चाई है भाइयों और बहनों, मजदूरी करो,
स्टार्टअप का मतलब स्टार्टअप करो मजदूरी करना, रीढ़ की हड्डी जो होती है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको तोड़ दिया है। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस देते हैं, किसान देते हैं, दुकानदार देते हैं। ये जो अरबपति हैं ये देश को रोजगार नहीं देते हैं। 10,000, 50,000, 1,00,000 लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये रोजगार दे पाते हैं। रोजगार देश को छोटे बिजनेस वाले लोग देते हैं, उनको खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, कोविड के समय खत्म कर दिया। तो रीढ़ की हड्डी जो थी, जो इस देश को रोजगार देती थी, उसको तोड़ा दिया, खत्म कर दिया। यह सच्चाई है। अच्छा, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा, डर। और मुझे हमारी माताएं बहनें दिख रही हैं, महंगाई। देखो, महंगाई बोला, क्या बोला आपने? बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा जो आपने बोला। यूपीए के समय 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आजकल कितने का है? 60 रुपए का पेट्रोल था, आजकल कितने का है? 55 रुपए का डीजल था, आजकल कितने का है? तो ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। किसान को बीमा नहीं मिलेगा, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, किसान को सही रेट नहीं मिलेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। यह हो क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बीजेपी के लोग डर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के किसान के दिल में, युवा के दिल में, मजदूर के दिल में डर होगा तो बीजेपी उस डर को नफरत में बदल सकती है। अगर आपके दिल में डर नहीं है, देखो भैया, डर नफरत और हिंसा डर का रूप होता है। नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती है। नफरत डर का रूप होता है। जिसके दिल में डर होता है उसके दिल में नफरत पैदा होती है और वो हिंसा करता है। जिसके दिल में डर नहीं होता है उसके दिल में नफरत पैदा हो ही नहीं सकती और वो नफरत कभी कर ही नहीं सकता। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, 32। मेरे पिता को बम से मारा गया। मेरे खिलाफ हिंसा की गई, भयंकर हिंसा। दादी को मार दिया, पिता को मार दिया। मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। गया, कर लो जो करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। और मैं उनसे कहता हूं, बीजेपी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, अमित शाह जी से कहता हूं, आरएसएस के लोगों से कहता हूं, भाइयों, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज यह है
और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। और सुन लो, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हम में फर्क। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। और भाइयों और बहनों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गलतफहमी में मत रहो, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने अंबेडकर जी की किताब पढ़ी है, मैंने अंबेडकर जी की किताब पढ़ी है, और उस किताब में मुझे इतना सा भी डर नहीं दिखा, इतना सा भी डर नहीं निकला दिखा। इसलिए अंबेडकर जी के दिल में नफरत नहीं थी। तो ये देश और इस देश के सब धर्म, सारे के सारे धर्म सिर्फ एक बात सिखाते हैं, डरो मत। और अगर डरोगे नहीं तो दिल में नफरत कभी पैदा नहीं हो सकती। ये सारे के सारे धर्म ये कहते हैं। और यही महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, आजाद जी ने सिखाया है। और उससे पहले हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने सिखाया है। ये आपका डीएनए है भाइयों और बहनों, और यही यात्रा का मैसेज है। आदिवासियों से मैंने कहा, पिछली मीटिंग में मैंने आदिवासी भाइयों से बहनों से कहा, देखो, मैंने उनसे कहा कि देखो तुम आदिवासी हो, और मैंने उनसे पूछा आदिवासी का मतलब जानते हो? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले था। और मैंने आदिवासी भाइयों और बहनों से कहा, देखो तुम सबसे पहले यहां थे, इसका मतलब तुम हिंदुस्तान के असली मालिक। अब ये देखो, ये आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं। अभी आरएसएस के लोगों ने नया शब्द निकाला है। हम कहते हैं आदिवासी हिंदुस्तान के असली मालिक, पहले मालिक। बीजेपी कहते हैं वनवासी। वनवासी मतलब तुम्हें जंगल में ही रहना है, जंगल से नहीं निकल सकते। और दूसरी तरफ जंगल को गायब कर रहे हैं, तो 10-15 साल में इनका जंगल भी नहीं बचेगा, रहने की जगह नहीं होगी, इनके बच्चे ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना कुछ नहीं। मैं आदिवासियों की बात यहां क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि मैं इनका तरीका बता रहा हूं आपको। आदिवासियों से कहते हैं, भाइयों और बहनों, तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो। और हमारे प्यारे दलितों से कहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं मैं दिखाता हूं आपको। ये अंबेडकर जी जो है ना, मैं दिखाता हूं, ये देखो क्या करते हैं। पहले ये करते हैं अंबेडकर जी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, और फिर जिस काम को करने के लिए बाबा साहेब जी ने अपनी जिंदगी दी, जो उनकी पूरी जिंदगी का काम था, संविधान,
उसको खत्म करने का काम करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं। एक तरफ हाथ जोड़ेंगे और दूसरी तरफ पीछे से चाकू मारेंगे, ये इनका तरीका है। ये अंबेडकर जी का सामने से अपमान कभी नहीं कर पाएंगे, मगर जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, सामने से हाथ जोड़ेंगे और पीछे से इनका जो काम है उसको रद्द करेंगे। वही चीज गांधी जी से के साथ करते हैं। भाइयों और बहनों एक बात बताओ, गांधी जी ने इस देश को क्या बोला? दो चीजें बोली थी, डरो मत और हिंसा मत करो। सही बात, डरो मत और हिंसा मत करो। आरएसएस के लोग आजकल, पहले नहीं करते थे, पहले हाथ नहीं जोड़ते थे गांधी जी के सामने, पहले गोडसे जी के, गोडसे जो है उनके सामने मतलब हाथ जोड़ते थे। जी गलती से निकल गया, गोडसे के सामने हाथ जोड़ते थे, आज करना पड़ रहा है तो आज गांधी जी की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। और फिर गांधी जी ने जिस काम करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, अहिंसा, उसको हिंदुस्तान में खत्म करने का काम करते हैं। जहां जाते हिंसा फैलाते हैं। और डर की तो मैंने आपको बात बता दी, गांधी जी ने कहा था डरो मत, सामने से हाथ जोड़ते हैं और 24 घंटा डरते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, किसी से डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। और अगर आप डरोगे नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, आपके दिल में नफरत पैदा ही नहीं हो सकती। और अगर आपके दिल में नफरत पैदा नहीं होगी तो हिंसा हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगी कहीं। आपने हमारा यात्रा में, मैं आपको बता भी नहीं सकता, 2000 किलोमीटर हम सब चले हैं, मेरे चेहरे पर थकान दिख रही है आपको? 9 बज गए, 5:15 पे मैं उठाऊं, 6 बजे से पैदल चल रहा हूं ये, और मैं अकेला नहीं, ये सब हैं कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां, ये सब चले हैं। इनके चेहरों पे थकान दिख रही है क्या? देखिए कमलनाथ जी का चेहरा देखिए, देखिए कोई थकान नहीं। तो थकान नहीं है क्यों? क्योंकि आपने प्यार दिया है, आपने अपनी शक्ति इस यात्रा को दी है, मोहब्बत दी है। और सिर्फ आपने नहीं, हमारे साथ लाखों लोग चले हैं, मगर करोड़ों लोगों ने टीवी पे इस यात्रा को देखा है। करोड़ों लोग, हिंदुस्तान के लोग जो नफरत नहीं चाहते हैं, जो डरते नहीं हैं, वो इस यात्रा की मदद कर रहे हैं। आज छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, इतना बड़ा, पिगी बैंक में पैसा लाया था, महीनों से, 2 महीने उसने मुझे कहा, 2 महीनों से मैं इसमें पैसा डाल रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहता है भारत जोड़ो यात्रा के लिए डाल रहा हूं। अभी ताली मत बजाओ। मैंने पूछा क्यों? कहता है नफरत और हिंसा के खिलाफ मैंने पैसा दिया है। 6 साल का बच्चा। तो देश में करोड़ों लोग नफरत और हिंसा नहीं चाहते हैं, इसके खिलाफ हैं। करोड़ों लोग इस देश में डरते नहीं, किसी चीज से नहीं डरते, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी नहीं डरते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, डरते नहीं है। डरना नहीं चाहिए, आप हिंदुस्तानी हो, यह आपका तिरंगा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है।
तो आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंबेडकर जी जो हैं, अंबेडकर जी ने जो इस देश को दिया वो सिर्फ आज के लोगों को नहीं दिया है, आपको हमें नहीं दिया है, आने वाली पीढ़ियों को वो उन्होंने दिया है। उनके खून, उनके पसीने ने इस देश को दिया है। जिस चीज को हम संविधान कहते हैं उसको हम कभी नहीं मरने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं मरने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।